हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि जो बैंक निफ्टी ऑप्शन होता है उसका ऐड द मनी ऑप्शन बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के मूवमेंट पर कितना पॉइंट उसका प्राइस बढ़ता है, ऐड द मनी ऑप्शन का प्राइस कितना पॉइंट बढ़ेगा शुक्रवार से सोमवार तक। शुक्रवार से सोमवार मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शन का जो स्टार्टिंग डे होता है, जो बैंक निफ्टी ऑप्शन का स्टार्ट डे होता है वो शुक्रवार को, इसका स्टार्टिंग स्टार्ट होता है शुक्रवार को, और इसका जो एक्सपायरी होता है दोस्तों बैंक निफ्टी ऑप्शन का वो होता है गुरुवार को। गुरुवार मतलब थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। दोस्तों, इसका अनुमान आपको रहेगा कि कितना पॉइंट के मूवमेंट और कितना पॉइंट हो रहा है, मतलब बढ़ से घट सकता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को सही डिसाइड कर पाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत जल्द हमारा जो यूट्यूब फैमिली है वो 1000 होने वाला है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ पास एटीएम क्या हो जाएगा, एटीएम जो ऐड द मनी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 40,800। ये हमारा ऐड द मनी ऑप्शन हो जाएगा, ऐड द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 40,800। तो देखिए, बैंक निफ्टी कहाँ पास क्लोज हुआ है 40,784 पे, मतलब हमारा स्ट्राइक प्राइस जो होगा 40,800 का, ये ऐड द मनी हो जाएगा। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि ऐड द मनी ऑप्शन हमारा कितना पॉइंट बढ़ेगा शुक्रवार से लेकर के गुरुवार तक। तो मान लीजिए कि आपने शुक्रवार को ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी है कि 40,800 से 40,900 पहुँच जाता है, तो शुक्रवार को इसका जो भाव बढ़ेगा दोस्तों वो ऐड द मनी ऑप्शन, मैं पहले ऐड द मनी ऑप्शन को मैं यहाँ पास ऐड कर लेता हूँ। देखिए, 40,800 हमने ऐड कर लिया कॉल और पुट दोनों। तो देखिए, इसका भाव चल रहा है कितना, 360 चल रहा है। तो अगर शुक्रवार को आप ट्रेड ले रहे हो, बैंक निफ्टी 40,800 से 40,900 पहुँच जाता है, तो उसका जो भाव है दोस्तों वो शुक्रवार को दोस्तों इसका भाव बढ़ जाएगा, वो 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका कंडीशन ये है कि बैंक निफ्टी 5 मिनट में, मतलब इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बन जाए 100 पॉइंट का, 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बन जाए 100 पॉइंट का, तो उसका जो ऐड द मनी ऑप्शन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, 50 पॉइंट बढ़ जाएगा शुक्रवार को। यही दोस्तों, सोमवार को अगर हो जाएगा ऐसा, तो सोमवार को हो जाए तो सोमवार को दोस्तों 100 पॉइंट के मूवमेंट पर जो है ना इसका भाव बढ़ जाएगा, वो 55 पॉइंट बढ़ जाएगा दोस्तों। ऐड द मनी ऑप्शन का प्राइस जो है वो 55 पॉइंट बढ़ जाएगा सोमवार को। और अगर मंगलवार को अगर 100 पॉइंट बन जाएगा, 5 मिनट में 100 पॉइंट का कैंडल बन जाता है, तो मंगलवार को दोस्तों वो 60 पॉइंट बढ़ जाएगा अगर 5 मिनट में ऐसा कैंडल बन जाता है एक तो ग्रीन, मतलब किसी भी साइड में या तो नीचे या तो ऊपर, तो 5 मिनट में उसका ऐड द मनी ऑप्शन का प्राइस जो है वो 60 पॉइंट बढ़ जाएगा मंगलवार को। और बुधवार को अगर देखेंगे ना, तो बुधवार को इसका जो है वो ऐड द मनी ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा, वो 60 पॉइंट से 70 पॉइंट बढ़ जाएगा बुधवार को। बुधवार का कंडीशन है 60 पॉइंट से 70 पॉइंट बुधवार को बढ़ जाएगा, मतलब। और अगर गुरुवार को देखेंगे तो गुरुवार को जो एक्सपायरी होता है गुरुवार को, उस दिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है बैंक निफ्टी ऑप्शन का प्राइस। देखिए, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का कैंडल एक ठो बना दिया 5 मिनट में ना, तो गुरुवार को उसका भाव जो है वो दोस्तों 70 पॉइंट से 80 पॉइंट बढ़ जाएगा 12 बजे से पहले जो है वो 70 से 80 पॉइंट बढ़ जाएगा उसका ऐड द मनी ऑप्शन का प्राइस। एक मिनट में अगर 5 मिनट में एक ठो ग्रीन बना दिया ना, एक ठो ग्रीन अगर 5 मिनट बना दिया इस टाइप से ग्रीन कैंडल, तो उसका जो ऐड द मनी ऑप्शन का प्राइस जो है वो 12 बजे से पहले उसका भाव जो है वो 70 से 80 पॉइंट बढ़ जाएगा 12 बजे से पहले। और अगर 12 से 2 की बात करें, अगर 12 से 2 बजे तक अगर देखेंगे ना, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट पर उसका भाव जो है दोस्तों 80 से 90 पॉइंट बढ़ जाएगा 12 से 2 पे। 12 से 2 के बीच में ना ये बैंक निफ्टी का ऐड द मनी ऑप्शन वो 80 से 90 बढ़ जाएगा। और अगर 2 बजे के बाद अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, तो उसका भाव जो है दोस्तों 100 पॉइंट के मूवमेंट पर उसका भाव 100 पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ऐड द मनी ऑप्शन का भाव 100 पॉइंट भी बढ़ जाएगा। कंडीशन ये कि जितना फास्ट मूवमेंट होगा उस हिसाब से उसका भाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट इस्तेमाल जब बढ़ गया 100 पॉइंट का कैंडल 5 मिनट में, फिर उसके नीचे बन गया, तो इस बीच में जो बनेगा दोस्तों उसका भाव जो है ना 100 पॉइंट के मूवमेंट पर 100 पॉइंट भी बढ़ जाएगा उसका ऐड द मनी ऑप्शन का भाव। और अगर दोस्तों जितना फास्ट मूवमेंट होगा, अगर मान लीजिए कि 5 मिनट से पहले ही अगर 100 पॉइंट कर दिया 5 मिनट से पहले,
उसका भाव 120 भी बढ़ जाएगा, एट द मनी ऑप्शन का भाव जो है ना 120 भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा होता है दोस्तों एक्सपायरी के दिन सिर्फ, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया दोस्तों, मंडे मतलब शुक्रवार को ये 50 पॉइंट बढ़ेगा, तो सोमवार को ये 55 पॉइंट बढ़ जाएगा और मंगलवार को ये 60 पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन बुधवार को 60 से 70 पॉइंट बढ़ जाएगा और गुरुवार को दोस्तों आप मान के चले कि अगर 12 बजे से पहले तो 70 से 80 पॉइंट बढ़ेगा और 12 से 2 के बीच में 80 से 90 पॉइंट बढ़ेगा और 2 बजे के बाद तो ये 100 पॉइंट 120 पॉइंट भी बढ़ जाता है दोस्तों। 2 बजे के बाद कितना फास्ट मूवमेंट होगा उतने उस हिसाब से 100 पॉइंट के मूवमेंट पर ना इस 120 पॉइंट भी बढ़ जाएगा एट द मनी ऑप्शन का प्राइस। तो ये बात को दोस्तों आपको याद रखना चाहिए। और देखिए एक कंडीशन मैं आपको अब और बताता हूँ दोस्तों, ये मैं आपको कब के लिए बता रहा हूँ, ये आपको मैं कब के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, शुक्रवार से लेकर के मंगलवार तक। अगर शुक्रवार से मंगलवार तक मान लीजिए कि आपने कुछ यहीं पास ट्रेड लिया, यहीं पास मान लीजिए इस लेवल पर, मान लिया आपने ट्रेड लिया इस लेवल पर ट्रेड लिया और यहीं पास एक घंटा दो घंटा तक समय बिता रहा है, और जहाँ पास आपने ट्रेड लिया है वहीं पास दो घंटे तक समय बिता दिया, अगर एक घंटा दो घंटा, तो आपका जो प्राइस है ना वो शुक्रवार से मंगलवार के बीच का बात कर रहा हूँ, अगर आपने 200 पे लिया है तो उसका आराम से भाव 20-30 पॉइंट उसका बढ़ घट जाएगा दोस्तों। मार्केट आपने इसी लेवल पर लिया है और इसी लेवल पर अगर दो घंटे से मार्केट खड़ा हुआ है ना, तो आपका भाव 30 पॉइंट 40 पॉइंट मतलब वहाँ पास घट जाएगा, मतलब 10-15% का आपका प्रीमियम घट जाएगा दोस्तों वहीं पास। तो इस बात को भी आप बैंक निफ्टी में मतलब ध्यान रखिए कि अगर बैंक निफ्टी आपके लेने के बाद मार्केट यहीं पास ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है एक घंटा दो घंटा, तो आपका प्रीमियम जो है प्रीमियम इस उसका प्राइस को बोल रहा हूँ मैं, ये प्रीमियम उसके प्राइस को बोलते हैं, इसका भाव अपने आप दोस्तों कम होते रहता है, अपने आप इसका कम हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रख के हमेशा बैंक निफ्टी के फास्ट मूवमेंट को ट्रेड कीजिए, फास्ट मूवमेंट को पकड़ना सीखिए, तभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।